अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार। मैं तवांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाजरीन, हॉटशिप प्रोग्राम में गाल कंदासी अदालती हुकुम ते 2010 जे एक्ट तहत बरतरफ थियल मुलाजमन जे हवाले सा। मुलाजमन पारा लागी तो एहतजाज कयो वयो, अदालत में दरख्वास्तू पिण दाखिल कई वयूं। नेट वफाकी हुकूमत पारा मुलाजमन के कढ़ण वारे फैसले ते नज़रसानी जी दरख्वास्त दाखिल करण जो फैसलो कयो वयो। अटॉर्नी जनरल अदालत खां दरख्वास्त दाखिल करण जे हवाले सा बिन हफ्तनि जी मोहलत तलब कई आहे। वाज़ह रहे त वफाकी कैबिनेट में पिण अदालती फैसले जी आजी कई वही हुई। 16,000 जे लगभग मुलाजमन के मुख्तलिफ इदारन मां निकाली देने जे हुकुम ते अमल करण जे लाए वफाकी हुकूमत पारा हुकुमनामो पिण जारी कयो वियो। इन ते भी गालाईंदासीं। इन खां अलावा गालाईंदासीं, सूबाई वजीर नासिर शाह जो चवण आहे त मौजूदा जेका वफाकी हुकूमत आहे उन मईशत जो बेड़ो बोड़े छॾियो आहे। नासिर शाह जो चवण हो त वफाकी वज़ीर या सूबाई वज़ीर अहिड़े तरीक़े सां कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि जो उन ते बि सच जो गुमान थिए थो। नासिर शाह जो चवण हो त अटो खंड ऐं ॿियूं शयूं महांगियूं थी वियूं आहिनि, महांगियूं कई वियूं आहिनि ऐं वफाकी वज़ीर ऐं इन जी जेका आहे सा वज़ाहत ॾींदे नज़र अचनि था। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा अहम जेको मामिलो आहे वफाकी हुकूमत जे इतिहादी जी डी ए पारां किंगरी हाउस में अॼु अहम इजलास कयो वियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जी डी ए जे अॻवाननि पारां इन में शिरकत कई वई। इन इजलास में वफाकी तोड़े सूबाई हुकूमत पारां सिंध खे नज़रअंदाज़ करण ऐं मुख़्तलिफ़ मसइलनि खे अञा ताईं हल न करण या इतिहादनि जा तहफ़ुज़ात ख़तमु न करण जे हवाले सां पिणु गौर वीचार कयो वियो। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघूं। हिन वक़्तु असांखे पी टी आई सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल ग़फ़ार साहिबु जॉइन कयो आहे। बिलाल साहिबु, वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। सबसे पहले ये जो बरतरफ किए गए थे मुलाजमिन अदालत की जानिब से, इस पे बड़ी तनकीद की गई थी कि वफाकी इदारों से मुख्तलिफ 16,000 से जायद मुलाजमों को निकाला जा रहा है, जिसमें मुलाजमिन का एहतजाज भी था पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और आपने देखा कि उन्होंने एहतजाज किया सदर के खिताब के दौरान। क्या कहेंगे अब जो है वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि अदालत में नजरसानी दरख्वास्त दाखिल की जाएगी? शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा सबीन, ये समझने की बात है कि ये जो 16,000 जो मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है जी, इसमें वफाकी हुकूमत ने तो बरतरफ नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस तहत पे एक इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हुई है, और हम समझते हैं कि जो भी सियासी भर्तियां हो, जो भी आपके मेरिट की जब खिलाफ वर्जी होती है, तो हम तो पहले दिन से इस चीज़ों के खिलाफ हैं। ठीक है, आपको पता है माजी में चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, पीआईए हो या दूसरे गवर्नमेंट इदारे हों, उसमें सियासी भर्तियां हुई हैं, मेरिट को नहीं देखा गया, और जहां अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो वहां 20 या 30 लोगों को वहां पे भर्ती किया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और मैं समझता हूँ कि इसको रिव्यू बिल्कुल होना चाहिए, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2 हफ्ते की मोहलत इसीलिए मांगी है कि वो अपना जवाब पेश कर सके। वफाकी कैबिनेट में इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वफाकी काबीना में इस तरह के कोई कमेंट्स नहीं थे। वफाकी हुकूमत जैसे कि एग्री थी इस फैसले पे, अटॉर्नी जनरल मुदाखलत कर सकता था इस फैसले, अभी भी तो नजरसानी की अपील दाखिल की जा रही है ना, क्योंकि मुलाजमीन ने सख्त इस पे भरपूर किस्म का एहतजाज किया है, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई है। देखिए सभी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई इमरान खान या किसी मिनिस्टर ने तो नहीं निकाला, एक आप समझ लें कि जो फैसला आया है उसका उस डिसीजन के तहत ये फैसला हुआ है। अब ये क्रिटिसाइज कर देना और बड़े अफसोस से कह देना कि ये सिंध के साथ ज्यादती हुई है और वो लोग जो जिनका ज़्यादातर ताल्लुक सिंध से है उनको बरतरफ किया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जब पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी 2007 से लेकर 2012 उस पीरियड में ये आपकी भर्तियां हुई हैं, तो सवाल तो क्वेश्चन मार्क तो रेज होता है उनके मैरिट पे और उस ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज में लसानियत, और पता नहीं वो कभी सिंध कार्ड लेकर आ जाती है, कभी क्या लेकर आ जाती है, इस फैसले को भी उन्होंने लसानियत को देने की कोशिश की। हम समझते हैं कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मेरिट का निज़ाम होना चाहिए, और जो भी सियासी नौकरियां का जो एक रिवाज पिछले 20 साल से या 30 साल से चला हुआ है उसको ख़त्म होना चाहिए, और एक प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो होना चाहिए सरकारी इदारों में नौकरियों के लिए।
बिलाल साहब, मेरिट पे नौकरियां मिलनी चाहिए, मेरिट को आगे आना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, लेकिन इन लोगों की अब एज देखें, इन लोगों की अब मुख्तलिफ जो मामलात हैं, अगर इन लोगों को निकाला जाता है तो ये 16,000 अफराद नहीं 16,000 खानदान होते हैं, इनके फ्यूचर का क्या होगा? बिल्कुल सियासी भर्तियाँ होती हैं, हर दौर में होती हैं, मुख्तलिफ इदारों में होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत इन मुलाजमिन के साथ खड़ी होगी और अटॉर्नी जनरल के जानिब से जो नजरसानी दरख्वास्त दायर की जा रही है उसके उसकी आप हिमायत करेगी वफाकी हुकूमत? देखिए बिल्कुल इसकी नजरसानी अगर होती है तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक जनरल पूरा एज अ होल देखना पड़ेगा और फिर बाद में कुछ वो स्पेसिफिक केसेस देखने होंगे कि किन के साथ जाते अभी हैं और किन के साथ नहीं भी। अब ये 16,000 लोग जो भर्ती हुए हैं इसमें से ये भी देखना है ना कि कितनों की जरूरत थी कितनों की नहीं थी, और वो ये तकरीबन 11-12 साल से ये तो आउटस्टैंडिंग भर्तियां होती रही हैं मुख्तलिफ अदवार में, ये स्कैंडल सामने आते रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, आप एजुकेशन में देखें, बल्दियाती इदारों में देखें, आउटस्टैंडिंग भर्तियां तो हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने पहले साल में ये स्टेटमेंट दिया था असेंबली में कि मुझे टीचर्स दो सियासी भर्तियां नहीं करके दो, ये है ना असेंबली में उनका एक स्टेटमेंट था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपके इदारे, अब आप लोकल सतह पे देख लें, KDA कराची वाटर सीवरेज बोर्ड, आपका सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC DMC ये सब तबाह हुए आपको सियासी भर्तियां देखे, यहाँ पे आपके पास गुंजाइश ही नहीं। अब आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी फर्द के पास है, वो घर में कमाता है और वो 20 या 25 अपने घर में स्टाफ डोमेस्टिक स्टाफ रख लेता है, और एक वक्त आता है कि वो अपने डोमेस्टिक स्टाफ को अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा? आप मुझे बताएं ना कि जो पाकिस्तान स्टील और PIA की जो तबाहकारियां हैं उसकी वजह यही है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान स्टील में लोगों के पास को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, वहां का प्रोडक्शन खत्म हो गया है, उसके एसेट्स बिक रहे हैं, तो आप किस तरह वहां पे लोगों को रख सकते हैं? ये तो हमारी हुकूमत थी कि हमने पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉयज को जो पूरा इनका जो पीपल्स पार्टी मांग रही है ना आपसे स्टील मिल, वो तो कह रही है हमें दे, हम चला के दिखाते हैं, तो गोल्डन हैंड शेक देखे या जो उनको एक पैकेज देखे, पूरा पैकेज हमने दिया जो 23 अरब रुपए की वन गो में पेमेंट हुई पाकिस्तान स्टील मिल की। और मैं आपकी बात करती हूँ, किसने कौन कह रहा है कि हम चला के बताएंगे? सॉरी, कौन कह रहा है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बारहा कहा कि स्टील मिल्स हमें दें, हम चला के दिखाएंगे। आप पीपल्स पार्टी के किसी भी मिनिस्टर को और सामने लाए और उनसे सवाल पूछे, ये बताएंगे पाकिस्तान स्टील मिल तबाह किसने की? 2000 तक पाकिस्तान स्टील मिल जो था वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी। आप 2008 के बाद जो आसिफ जरदारी के फ्रंट मैन आए और जब उसमें करप्शन हुई, सियासियां भर्ती हुई, तो स्टील मिल जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। तो आप पीपल्स पार्टी से पूछें कि आसिफ जरदारी और रियाज लाल जी का क्या ताल्लुक है, जो एक सबसे मेन कैरेक्टर था पाकिस्तान स्टील मिल को तबाह करने के लिए। अच्छा बिलाल साहब, दूसरा एक बहुत बड़ा इशू जो 3 सालों में शायद मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, उसकी बार बार वजाहतें दी जाती हैं, शौकत साहब ने भी इस बात को एडमिट किया, उन्होंने एक वजाहत की है कि कोविड की वजह से ऑल ओवर महंगाई हुई है, हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ये तो एडमिट हुआ कि महंगाई हुई है, महंगाई के हवाले से बड़ी तनकीद की जाती है और हुकूमत हमेशा इसकी नफी करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए पूरी दुनिया में सप्लाई इश्यूज की वजह से, कोविड की वजह से आपका फ्रेट बढ़ गया है। जो $600 में एक कंटेनर पाकिस्तान आता था यूरोप से, अमेरिका से या दूसरे कंट्री से, वो आज $6,000 में आ रहा है। आपके जो कॉमोडिटी प्राइसेस हैं, चाहे वो चीनी हो, ऑयल हो, जो हम खाने पीने का जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, या दूसरी जो हमारी फूड आइटम्स है, उनमें एक साल में तकरीबन 50% से 100% का इजाफा हुआ है। उसमें शुगर भी है, उसमें वीट भी है, और बहुत से आपके जो चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़, इसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी है, अगर आप इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के हिसाब से देखें तो इतनी महंगाई पाकिस्तान में नहीं बढ़ी। जो इन्फ्लेशन नंबर जो 2 साल पहले पाकिस्तान में था 12-13% तक को इन्फ्लेशन पहुँच गया था, वो अभी 8-8.5-9% पर आपका इन्फ्लेशन है। और आप दूसरी बात देखें कि जो जिनको 800-900 रुपए पे गंदम की प्राइस मिलती थी, आज 1100-1200 रुपए पे गंदम की प्राइस मिल रही है, गन्ना 200 रुपए पे उनको फार्मर्स को मिल रहा है,
तो ये जो फार्मर्स की है उनकी इनकम लेवल भी बढ़ी है, जो छोटा हरी है इनका उसकी भी इनकम लेवल बढ़ी है। तो जाहिर है जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी है, प्राइसेस बढ़ी हैं, साथ साथ लोगों की इनकम लेवल भी बढ़ी है। और हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कोविड के बाद, पूरी दुनिया ने उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिकॉग्नाइज किया। हमारा एहसास प्रोग्राम जिसमें से 200 अरब रुपए बांटे गए, उस 200 अरब रुपए में से 70 अरब रुपए सिंध को बांटे गए, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जो दुनिया के जो इदारे हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की जो कोविड की जो स्ट्रेटेजी थी वो दुनिया का तीसरा बेहतरीन मुल्क है जहाँ पे कोविड की जो स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की गई। बिलाल साहब, ये तो आप वजाहतें देते हैं और बड़े फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप आवाम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकतें हैं, रियलिटीज हैं, वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। खुद मैं वफाक आपको मुजरा बता ने इस रहा बात हूँ को जो एडमिट किया। सीधा हरी पीपुल्स पे पार्टी के, आठ सौ अच्छा रुपए मैं पीपुल्स पार्टी के नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि यही झूठ, उन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा यही झूठ जो हुकूमत के जो वजीर हैं, जो वजरा हैं, वफाकी वजीर हैं, बड़ी इस तरह से बोलते हैं, वो सच लगने लगता है। देखिए, ये पीपल्स नासिर शाह साहब मेरे दोस्त हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आती है तो मुझे माजरत से कि इनको नंबर्स गलत होते हैं। पिछले दिनों ने भी इन्होंने सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट जारी किया था, बाद में उन्होंने खुद उसकी एक्सेप्ट भी किया था कि उनसे गलती हो गई है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि सिंध का हरी जो पहले गंदम की 800 रुपये या 900 रुपये पर मन उसको मिल रहा था, उसके अब 1200 रुपये पर मन मिल रहा है। जो गन्ना का काश्तकार है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन साथ साथ लोगों का जो इनकम लेवल है वो भी बढ़ा है, जिसको आप कहते हैं पर कैपिटा इनकम जो है पाकिस्तान में लोअर बढ़ी है। लोअर मिडिल क्लास जो है, बिल्कुल, मैं उनकी कौन आपके सी इनकम है? मैं आपकी मिसाल देता हूँ, जो मोटरसाइकिल है या ट्रैक्टर है वो अमीर आदमी नहीं खरीदता। पाकिस्तान में अभी मोटरसाइकिलों की जो फरोख्त है वो रिकॉर्ड हाई पे है। आप मुझे ये बताएं, जो ट्रैक्टर जो फार्मर्स खरीद रहे हैं वो रिकॉर्ड हाई पे है। जो आपके वो जो फूड आइटम्स जो लोग अपने बच्चों को जो देते हैं उनकी सेल जो है, जो खाने पीने की है, जो बच्चों के चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, जो हमारे सिंध के इंटीरियर सिंध के अजला में लोग यूज करते हैं, मैं इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और इम्पोर्टेड कन्फेक्शनरी की नहीं बता रहा, उनके जो सेल्स हैं, खाने पीने की सेल्स हैं, वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड लेवल पर है। आपकी इकोनॉमी जो 1.5% की ग्रोथ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज 4% की आपकी जीडीपी ग्रोथ है। बिलाल साहब, हुकूमत के खुद जो और मैं इदारे हैं, आपको एक बात शुमारियात बता इदारे, दूं, उनकी भी महंगाई के हवाले से रिपोर्ट्स आती रहती हैं अच्छा मैं जिनको आपको डिनाई एक नहीं और किया जा बात बता सकता। दूं, जी पहले मजदूर की तनख्वाह, मजदूर की जो रोज की दिहाड़ी होती थी वो 600 से 700 रुपए होती थी, आज वही मजदूर 1100 से 1200 रुपए योमिया कमा रहा है। और जो आपका मिस्त्री है जिसकी रोज की है ना जो शायद 1000 या 1200 रुपए कमाता था, आज 1700 से 1800 रुपए में आपके मिस्त्री या मेसन या वो कमाता है। और आपको क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम है तो आपको अच्छे मिस्त्री की शॉर्टेज है पाकिस्तान में। बिलाल साहब, एक दूसरे मौजू की तरफ आएंगे। जीडीए का आज अहम इजलास जो है वो किंगरी हाउस में हुआ, पीर साहब पागारे की उन्होंने उनकी सदारत की, जिसमें जीडीए के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन्होंने शिरकत की। क्या कहेंगे, उनको बड़ी तहफुजात हैं, बड़ी शिकायत हैं। पहले अगर सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो उनका ऑलरेडी ये क्लेम था कि सूबाई हुकूमत जो है उनको निशाना बना रही है और उनकी सिंध के मामलात के हवाले से जो उनके तहफुजात हैं वो दूर नहीं किए जा रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत के हवाले से भी उनके तहफुजात अपनी जगह पर बरकरार हैं। क्या कहेंगे? लेकिन जीडीए हमारा इत्तेहादी है और उनके जो भी तहफुजात हैं वो हमेशा है ना उसके रिजॉल्व होते हैं। इस लेकिन बार वो तो कहते हैं कि जीडीए तीन को साल से उन कोई तहफुजात रिजॉल्व नहीं हुए, कोई उनके तहफुजात को दूर करने की कोशिश नहीं की गई। मैं आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाहता हूँ कि आप जो डेवलपमेंट स्कीम सिंध के लिए दी गई हैं और जो पीएसडीपी और एसडीजी गोल्स के लिए जो स्कीम अप्रूव हुई है इस साल बजट में वफाकी बजट से, आप उसको देख लीजिए कि उसमें जो जीडीए के एमएनएज हैं और जीडीए के एमपीएज हैं उनके इलाकों में कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स डाली गई हैं। और
जो मैं खुद जानता हूँ जीके के एमपीएस और एमएनएस को, कि जो जिन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे कहा है कि जितना तरक्याती काम पीटीआई की हुकूमत में इस बार हो रहा है, इंटीरियर सिंध में हमारे इलाकों में कभी भी नहीं हुआ। और उन्होंने पीएसडीपी में भी अपनी स्कीम्स डाली हैं, प्लस एसडीजी गोल्स के तहत उनके इलाकों में कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी, सीवरेज, नाला, भल सफाई और जो दूसरे जो इंटीरियर सिंध के जो मसाइल हैं उसके लिए हमारी वफाकी हुकूमत ने उनको पैसे बिलाल साहब, दिए फिर किस हैं। तरह के तहफुजात हैं सिंध के हवाले से, सिंध के मामलात या मसाइल के हवाले से किस तरह के तहफुजात हैं, क्या शिकायत हैं जो सामने नहीं आ रही, या आप नहीं बताना चाह रहे, या वो डिस्क्लोज नहीं करना जब चाह आप रहे? एक घर में रहते हैं तो एक घर में रहते हैं तो दो भाइयों में भी यानी किसी बात पे नाइतफाकी हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो लड़ झड़ के एक दूसरे से ताल्लुक ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में जीडीए का जो भी अगर तहफ़ुज़ात हैं तो हम बैठे हुए हैं, हमारी लीडरशिप मौजूद है और हम समझते हैं कि जो अगला आने वाला जो इलेक्शन है उसमें जीडीए हमारा एक अहम इत्तेहादी होगी और हम मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। बिलाल साहब, आप समझते हैं कि जीडीए का इत्तेहाद 5 सालों तक चल सकेगा या आखिर में आके ये डगमगाएगा, क्योंकि उनके शिकायत और तहफुजात तो हैं, आज आज के इजलास के हवाले से कुछ कहा नहीं? मैं इतना जानता हूं कि एक एंटी पीपल्स पार्टी अलायंस होगा जिसको लीड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करेगी। और मैं ये भी आपको कहने के लिए तैयार हूं कि सिंध की बहुत नामी ग्रामी शख्सियात जो हैं वो कुछ अगले अरसे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल गफ़ार, पीटीआई से ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली असा गाल रहे। बिलाल गफ़ार जो चवण हो तो महंगाई के हवाले से हुकूमत पैंजा हदफ पूरा करे रही है, महंगाई जरूर है पर महंगाई एतरी ना है। कोविड के हवाले से उन्होंने चवण हो तो दुनिया में मजमूई तौर महंगाई में इजाफो थो है, पर ते बावजूद हुकूमत कोशिश करे रही है तो अड़ी पॉलिसियों आने जैसा आवाम के रिलीफ मिली सके। बरतरफ मुलाजमन के हवाले से उन्होंने चवण हो तो अदालत जो फैसलो सिंध इन में वफाक हुकूमत जो को भी अमल दखल ना है, पर उन बावजूद जो सियासी हवाले से भर्तियों कई हुई यकीन गलत अमल है, मेरिट के अगर अचान घुर्ज उन बावजूद हुकूमत या अदालत इन मामले में मुलाजमन के फेवर दे थी तो उनके को एतराज ना होंद। जीडीए के अजो के इजलास के हवाले से बिलाल गफ्फार के जो चवण हो तो जीडीए उन इतिहादी है, आखिर वक्त तक इतिहादी रहा, इंद चूडू गरजी विढ़ा, उन तहफुजात उनके खत्म करने की कोशिश हमेशा कई वही है। नाजिन प्रोग्राम के सिलसिले के जारी रखासी, वक्त थो मुख्तसर वक्फे जो वूँ था वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगत बदाइंदी। जीडीए के अजो के इजलास के हवाले से गाल असेंगे ज्वाइन किया है डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब भलीकार प्रोग्राम में ज्वाइन कर। डॉक्टर साहब अजो को जीडीए जो अहम इजलास जो किंगरी हाउस में थो मुख्तलिफ अगवाणन समेत तह पारा पिण शिरकत कई वही, एजेंडा हुई अजो के इजलास के हवाले से? काफ़ी अर्से जी डी ए जी खास मीटिंग नती सकी हुई तो असें जे भी कोर कमेटी जहाँ मेम्बरान हुआ, इलेक्टेड एम पी एस हुआ, जे टिकट होल्डर्स हुआ, वो सब पिछा भी सदारत में जो असा इतने बैठा से उनमें खास गाल हुई तो जे यू आई जो सिंधी क्यादत आ मौलाना राशिद महमूद सुमर साहब और असो असम मौरी साहब वो भी इनमें शरीक किया। इनमें कोशिश कई से असाइए जे सत्रह जुलाई से जो लाड़कण में इजलास थो उनमें असा जी जी जिले वाइज कोशिश कई तो बबा जिले वाइज जो मुख्तलिफ जमातू हैं थोड़े जीडीए से तालुक न भी रखन थी पे तो उनका गड़ी जो एकड़ी सिंध लेवल से अल्टिमेटली जो मौजूदा सिंध हुकूमत है उनके खिलाफ एकड़ी बाकायदा जो इलेक्टोरल दोस्त पानी इलेक्शन में हैसियत रखन था पाया उनके सभी के गड़ी कर यूनाइटेड फ्रंट है और असा इन गाले बदायूं तो सिलसिले में जीडीए की मीटिंग हुई जैमें पीर साहब की सदारत में जो काफी अर्से का एक मीटिंग नी सी कोविड के करे जो मीटिंग जी जीडीए पैगाम यो जीडीए इंटैक्ट आ जीडीए पांच जाए जो मौजूद आ सिंध के इशूज खास तौर पर यो फैसलो थे तो असान जो पा भी असों जी बी जमातू हैं जे यू आई है कॉम्प्रेस जमातू हैं जी इनमें पार्टिसिपेट कर चाहन थी पे तो सिंध के इशूज से बाकायदे जो गड़ी मुहम हलूँ पानी जो इशू आ एग्रीकल्चर जो इशू आ जमीन जो इशू आ माइग्रेशन जहाँ इशूज आन लोकल बॉडी जो हुकूमत मुंतकिल न करा रही है उन हवा से जी भी सिंध जहाँ इशूज उन
काफ़ी सैर हासिल बहस की हूँ यो फैसलो कर सब गजी बन जमातों से गजी सिंध की मसला पानी आवाज उठाई अचान वाली जो इलेक्शन आए वो बलदियात हो या वह जो सो जनरल इलेक्शन अचान वाली जी उनमें जो लोकल लेवल से इतिहाद असि शख्सियतों के इतिहाद उनके असं इंकरेज क्यों तमाम जमातों हैं जी अस हलन चाहन पे अमल में उन सभी के चाहे जमातू हुजन या शख्सियात हुजन उनके गद खड़ी जो सो अस अगते अचान वाली जी इलेक्शन जी बलदियात है या बिजली आ पानी आ माइग्रेशन जो इशू तुम चो था जमीन जो इशू आ गैस जो मामलो है पानी की खोट जो मामलो है ये सब तो वफाकी हुकूमत से भी ताल्लुक रखन था नई वफाक या सूबो एक बे जैसे कॉर्डिनेट या कॉपरेट ना कह मसला सिंध जल ना सकता समझो था वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी इन अमल में एन टी पी कौतूँ उनके भी पान खतर करने की कोशिश क्यों इो पो तो बबा पीटीआई कमेटी छा कर चाहे छह अके जी डी एड़ी नेशनल लेवल से अलायंस में पर उनकी जी डी दोस्ती महसूस कंता पाया तो पीटीआई वहाँ रवैयो नी रखे इतिहादी जो रवैयो होजन खे तो अस उन अमल में यकीन पाया जो दोस्त आन पीटीआई में असा असा उनसे जरूर ाले प्राइम मिनिस्टर लेवल से भी अस जरूर उनकी तवज्जो इन तरफ आड़ी पर सवाल तो पैदा कर पीटीआई की तरफा को रिस्पॉन्स नो मिले समझन था पाया तो बबा न असा जी डी ए जरूरत ना तो यकीन जी डी ए के भी को न को सो रस्तों सो अगर वो पव अस चाहूँ था पाया तो चाहे कि न अचे एन टी पी पी फोर्सिस जे भी गुड हुजन और असो टाइट रोप वॉकिंग जरूर आ पर अस चाहूँ था पाया जे यू आर जो असि दोस्त हैं या उ शख्सियतू जो पीटीआई में वेठी सुबह असो जिलों के लेवल से अस इतिहाद कायम करने की कोशिश कर रहा है जो दोस्तों के जी डी के अलावा भी दोस्तों के गुड करने की कोशिश कर रहा है जुदी अदाई जारी रही डॉक्टर साहब तो छा यो चई सके तो वफाकी हुकूमत पीटीआई जी वफाकी हुकूमत है उन जी डी ए वन टू वन गाल फैसलो किया जी डी ए वफाकी हुकूमत जारी जारी हाँ भी रहो असो यानी का अड़ी नई गाल पर अस मुसलसल इंडिकेट क्यों पाया के पर यकीन उनकी तरफों असा को क्यादत के या असके वर्कर जो लोअर लेवल लीडरशिप है जो टिकट होल्डर हुआ जो मुख्तलिफ जिलों में वेठा जो वही फील कता पाया तो असो रिस्पॉन्स नो मिले तो यकीन जिम्मेदार पीटीआई पा होंगी ठीक यो चई सके तो डॉक्टर साहब तो वफाकी सूबाई हुकूमत जगह सिंध में पीपल्स पार्टी बिन्हीं के खिलाफ बिन्हीं के टफ टाइम देने के हवाले से आज कोई इजलास हो ना दिसो ना सूबाई हुकूमत से तो जरूर असा उनकी जो एनटीपीपी फोर्सेस आए ना सा उन्हें में गड़ आयूं पर सवाल जो तो वफाक में तो अलायंस जीडीए जो है ना जी जीडीए वफाक हुकूमत में बैठी है पर जी मां ता चाहता था रिजर्वेशन आए असा रिजर्वेशन जो इजहार कयो था अन्या भी कंदा से डॉक्टर साहब इन हवाले से को टाइम फ्रेम सेट कयो वयो आ का वार्निंग दिनी में सियासत में सरीवा को टाइम फ्रेम न हुंदो आ सियासत एक मुसलसल अमल जो नालो आ असा उन पाजे मुसलसल अमल जे जरिए पाजे कानून जे जरिए जरूर के पास तवज्जो दे छका जी कोशिश कर रहे हो संजे मसलन की तरफ पर ये अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई जी सोच आ तो के दा उनके रिस्पोंड कर बाकी एक मुसलसल अमल आ ये जारी है बाकी यो जरूर आता था सिंध इंस्टीट्यूट से पांजो लोकल जिले लेवल से सिंध लेवल से इंशा अल्लाह सा जीडी तक भरपूर भरपूर पांजे केन दोस्तों दा गजी भरपूर ताके इजहार नजर इंदो डॉक्टर साहब काड़ी कमेटी छाई वई अगवाणन जी या कोड़ो वफद जको पीटीआई सा इनन मामलन दे गालाइंदो या फॉर्मल ये गालियो वो तो मुसलसल जके भी जसा दोस्तन पीटीआई सा उधरो गलाए रहन सा को खास कमेटी कोन जोड़ी आ पर यह जरूर है हाँ असा जी बाकी कौतू हैं जो सिंध में जी ऑपोजिशन की कौतू हैं असा उनकीन ऐलान के लिए जो पाने दोस्तों की जरूर कमेटी ठाईदे जी अचान वे दिन में असा
रुकावट न हुजण खपे जे उहो बि करण लाइ तयार नाहे त रिस्पॉन्सिबल उहो पाण आहिनि असां त जेको आहे कोशिशि कयूं था पिया हाणे उहो डेडलाइन कहिड़ी आहे उहो मां नथो चई सघां पियो न असां खां डेडलाइन ॾियणु चाहियूं था पिया पर हिकिड़ो ऑनगोइंग प्रोसेस आहे जंहिंमें असां मुकमल तौर ते पंहिंजो इहो ॻाल्हाए रहिया आहियूं ऐं असां जेके ॿियूं सिंधी जेके ऑपरेशन ते मां उन्हनि सां बि ॻाल्हायां थो। डॉक्टर साहब, हिकिड़े तरफ़ तव्हां वफ़ाकी हुकूमत जा इतिहादी बि आहियो ऐं सिंध जे मामलनि ते पीपल्स पार्टी सां या सिंध हुकूमत सां टकराव वारी सूरत हाल बि आहे, त जी डी ए खे जेको मोमेंटम जोड़णु चाहे थी सिंध में सिंध जे मसलनि जे हवाले सां सूबाई हुकूमत जे ख़िलाफ़, उहो कीअं उन में स्प्रिट अची सघंदो जॾहिं त तव्हां वफ़ाक जा इतिहादी आहे उते बि नथा ॻाल्हायो ऐं जेको आहे उहो पंहिंजी कोशिशि करे रहिया आहिनि पंहिंजी लेवल ते, पर असां चाहियूं था पिया त इहो इन में जेको आहे सो गॾिजी असां अॻिते वधूं, अॻिते ॾिसूं त असां हिक ॿिए जे लाइ केतिरी गुंजाइश पैदा करे सघूं था पिया। इहो उहो बि इहा बि त बाबा ज़िले लेवल ते जेके मुख़्तलिफ़ क़ुवतूं ताक़तूं आहिनि उन्हनि खे असां कीअं गॾु करे ऐं अल्टीमेटली जेको आहे हिकिड़ो भरपूर फ्रंट मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में नारकाणे अवामी तार जी ठहियो उन तर्ज़ जो ई फ्री ठहे त उन 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 अमल खे कंदे असां केतिरी अॻिते वधी सघूं था पिया। इहा यकीन जेको आहे हिन महिल काफ़ी हद ताईं उन ते जेको आहे उहो असांजूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि ऐं केतिरनि वारे ॾींहं में असां हुनखे अञा हिनखे जेको आहे भरपूर अंदाज़ में खणण जी कोशिशि कंदासीं। डॉक्टर साहिब, चई सघिजे थो त ईंदड़ ॾींहनि में जी डी अंदरि को फ़ैसला कुन मूवमेंट थी सघंदी, को नतीजा ख़ैज़ के शयूं साम्हूं अची सघनि थियूं? न, इनशाह तव्हांखे हाणे तहरुक नज़र ईंदो। असां इनशा मुतहरक दोस्त आहिनि असांजा जेके वधीक तहरुक तव्हांखे ॾेखारींदा, वधीक मुतहरक थींदा ऐं जेके 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 इशूज़ आहिनि इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स थींदी ऐं उन्हनि इशू ते बिल्कुलु ॻाल्हाईंदासीं। वॾी महिरबानी डॉक्टर सफदर अब्बासी असां सां गॾु हुआ, जी डी ए जा अहम अॻवान। उन्हनि जो मौक़िफ़ु हो त वफ़ाकी हुकूमत सां बि हाणे दूबदू ॻाल्हायो वेंदो। सिंध जे मसलनि जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त जेतिरा तहफ़ुज़ात उन्हनि खे पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत खां आहिनि, ओतिरा ई मामला उन्हनि जा वफ़ाकी हुकूमत सां बि आहिनि। छो त जेकॾहिं पाणी जो मामिलो हुजे, ज़मीननि जो मामिलो हुजे, बिजली जो मामिलो हुजे, गैस जो मामिलो हुजे या ॿिया इशूज़ हुजनि, उन्हनि जो सिधो अणसिधो तालुक़ु वफ़ाकी हुकूमत सां पिणु थिए थो। डॉक्टर सफदर अब्बासी जो इहो बि चवणु हो त वफ़ाकी हुकूमत हिन वक़्त ताईं उन्हनि जा तहफ़ुज़ात ख़तमु न कया आहिनि। मुसलसल उन्हनि जो चवणु त उन्हनि जा अॻुवाण हिन हवाले सां वफ़ाकी हुकूमत अॻियां पंहिंजियूं ॻाल्हियूं रखंदा पिया अचनि। सिंध में पीपल्स पार्टी जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी सां सियासी इख़्तिलाफ़ आहिनि, अवामी इशूज़ खे नज़र में रखंदे न वफ़ाकी हुकूमत हिन वक़्त ताईं कुझु करे सघी आहे ऐं नई वरी सूबाई हुकूमत कुझु करे सघी आहे। सफदर अब्बासी साहब जो इहो बि चवणु हो त ईंदड़ कुझु ॾींहनि में जी डी ए पंहिंजो सरगर्म किरदारु सिंध जे ॿरंदड़ मसलनि जे हवाले सां हल कंदी ऐं जल्दी जी डी ए मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां राब्ता करे उन्हनि सां पिणु मशवरा कंदी त जीअं ईंदड़ हिकमती अमली खे तरतीब ॾेई सघिजे। नज़ीन, अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अलाह वाहे। कितने मिनट हुआ?